खबर जो निष्पक्ष है, खबर जो निडर है, खबर जो उठाती है आपकी आवाज, खबर 7C, खबर जो सच है। नमस्कार, मैं हूँ आईसी पटेल। खबर 7C न्यूज चैनल में आपका स्वागत है। आइए चलते हैं उत्तराखंड की बड़ी खबरों की ओर। बता दें कि उत्तराखंड राज्य के शिक्षा एवं पंचायती राज मंत्री विगत कुछ दिनों से गढ़वाल क्षेत्र के दौरे पर हैं। आज जिला पंचायती मुख्यालय टिहरी में प्रदेश के शिक्षा पंचायती राज मंत्री अरविंद पांडे ने CA समर्थन में BJP कार्यालय में प्रेस वार्ता की। आइए देखते हैं उत्तराखंड से तरसेम सिंह तोमर की यह रिपोर्ट। बता दें कि उत्तराखंड राज्य के शिक्षा एवं पंचायती राज मंत्री विगत कुछ दिनों से गढ़वाल क्षेत्र के दौरे पर हैं। आज जिला मुख्यालय टिहरी में प्रदेश के शिक्षा पंचायती राज मंत्री अरविंद पांडे ने CAA के समर्थन में BJP कार्यालय में प्रेस वार्ता की। इस मौके पर उन्होंने कहा कि CAA कानून को लेकर आमजन में खुशी का माहौल है। यह कानून किसी भी भारतीय नागरिक के लिए नहीं है, बल्कि यह उनके लिए है जो कई सालों से भारत में शरणार्थी बनकर रह रहे हैं। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने कई साल देश में राज किया, लेकिन इस तरह से कोई एक्टर नहीं ले पाई, और अब लगातार विरोध पर कांग्रेस पार्टी इस मुद्दे पर जनता को गुमराह करने का कार्य कर रही है, जिसको जनता बर्दाश्त नहीं करेगी। CAA को लेके आम जनमानस के अंदर एक खुशी है। उस खुशी को जो कांग्रेस पार्टी है और जो विपक्ष में बैठे हुए लोग हैं, वो कहीं ना कहीं अपने वोट बैंकों के लिए हिंदुस्तान को अराजकता की आँख आग में झोंकना चाह रहे हैं, जिसको यहाँ की जनता कभी भी बर्दाश्त नहीं करेगी। CAA जो कानून है, सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट, यह हिंदुस्तान के किसी नागरिक पे भी, चाहे हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो या ईसाई हो, या किसी पर लागू नहीं होता। यह एक्ट सिर्फ उनके लिए बनाया गया, यह संशोधन अध्यादेश उनके लिए बनाया गया है जो पाकिस्तान और बांग्लादेश से जो शरणार्थी बन के हमारे बीच में आए हुए हैं, उनको स्थायी नागरिकता देने के लिए कानून बनाया गया है, न कि किसी का धर्म खत्म करने के लिए और न किसी को देश से निकालने के लिए। यह कांग्रेस पार्टी 100% जनता को गुमराह करके मात्र मुस्लिमों को, जिनको आज तक मुस्लिम भाइयों को, मेरी बात का कोई अन्यथा ना ले, मुस्लिम भाइयों को हमेशा शिक्षा से दूर रखा, मुख्य धारा से उनको दूर रखा, और आज उनको वोट बैंक की राजनीति के लिए उनको उकसा के, झूठे दलीलें देके देश के अंदर आगजनी का, दहशतगर्दी का, लोगों की हत्या करने का ये कांग्रेस काम कर रही है, जिसको देश की आम जनता जानती है। और देश की जनता ने प्रमाण भी दिया है कि जिस कांग्रेस ने इतने साल सत्ता करके हिंदुस्तान को खोखला किया है, इनको किसी कीमत पर सत्ता में हम बैठने नहीं देंगे। और यही वजह है कि दूसरी बार नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री बने और पूर्ण बहुमत के साथ बने। जब पूर्ण बहुमत के साथ हिंदुस्तान की जनता ने मोदी जी को प्रधानमंत्री चुना है, तो प्रधानमंत्री का दायित्व है, वह गरीब बाप का बेटा है, उसने अभाव देखा है, हिंदुस्तान की संस्कृति को जानता है वो आदमी, और वो जानते हैं कि जो 70 साल में देश के अंदर मुद्दों को बना के राजनीति की गई, उन मुद्दों को नाश्तनाबूद करना है और एक हिंदुस्तान को विकसित राष्ट्र बनाना है, समृद्ध राष्ट्र बनाना है, इसी निमित्त वह काम कर रहे हैं। और हिंदुस्तान की जनता, खासतौर पर उत्तराखंड की महान जनता, मोदी जी के साथ है और उनके नैतिक मूल्यों की जो आधारित राजनीति है और जो काम कर रहे हैं, इसके लिए हम उनको साधुवाद देंगे।